विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 6 पाठ 3 उच्चारण और वर्तनी। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क उच्चारण और ब्लैंक का घनिष्ठ संबंध है। वर्तनी, इसमें वर्तनी सही है। ख उच्चारणानुरूप ब्लैंक को ही वर्तनी कहते हैं। लेखन उच्चारण अनुरूप लेखन को ही वर्तनी कहते हैं। ग हिंदी शब्दों के उचित उच्चारण अनुसार ही ब्लैंक का संयोजन होता है। वर्ण, प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क जिलाधिकारी के ब्लैंक बहुत से अधिकारी काम करते हैं। अधीन, ख अध्यापक पद के लिए वह भी एक ब्लैंक है। अभ्यर्थी। ग उसके उसने झगड़ा करके सारा उत्सव ब्लैंक बना दिया। नीरस। घ वाराणसी ब्लैंक नगर है। धार्मिक, धार्मिक। हाँ, ऋषि ने शकुंतला को ब्लैंक दे दिया। श्राप। च सारे नगर में ब्लैंक चांदनी पसर चुकी थी। उज्ज्वल। प्रश्न 3, शुद्ध रूप पर सही का निशान चिन्ह लगाइए। त्रैमासिक, त्रैमासिक। साप्ताहिक, साप्ताहिक। सदुपदेश, सदुपदेश। सम्मान, सम्मान। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक। मध्याह्न। इच्छा, इच्छा। संन्यास, संन्यास। अनुग्रहित, सही है, अनुग्रहित। संग्रहित, संग्रहित। संग्रहित सही है। प्रश्न 4, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क उच्चारण और वर्तनी का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। क उच्चारण उत्तर उच्चारण और वर्तनी का घनिष्ठ संबंध है। उच्चारण अनुरूप लेखन को ही वर्तनी कहते हैं। हिंदी शब्दों के उचित उच्चारण अनुसार ही वर्णों का संयोजन होता है। स्पष्ट है कि उच्चारण गलत होने पर वर्तनी गलत हो जाएगी। प्रश्न 4 का ख का वर्ण और पा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। उत्तर, का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ग वर्ण संयोग से आप क्या समझते हैं, आरंभ और मध्य संयोग के दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, जब तक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। आरंभ संयोग के उदाहरण, ध्यान क्यारी। मध्य संयोग के उदाहरण, कुत्ता चक्की। घ मानक वर्ण किसे कहते हैं, किन्हीं दो वर्णों का उदाहरण देकर समझाइए। क वे सभी प्रकार के वर्ण जो मानक रखते हों, अर्थात जो वर्तमान में निर्धारित वर्णमाला के अनुरूप हों, मानक वर्ण कहलाते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र। क्षमा, क्षमा। जजमान, यजमान। जमराज, यमराज। प्रश्न 5, रेखांकित को मानक रूप में लिखिए। उसका काम नित्य टहलना है, तो जुड़ जाएंगे। उसका काम नित्य टहलना है। वह स्कूल जाता रहता है, वह स्कूल जाता है। वह उठकर बड़ों को प्रणाम करता है, वह उठकर बड़ों को प्रणाम करता है। राम लक्ष्मण वन को गए, राम कौमा लक्ष्मण वन को गए।